हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सांसद में ना बोलने दिए जाने के बाद एक बड़ा आंदोलन छिड़ा है और अपनी जनता तक बात पहुंचाने के लिए जंतर मंतर पर एक आगाज किया है, जिसे आप देख सकते हैं मेरे साथ, जहां पर एक मंच के थ्रू दलितों की, पिछड़ों की आवाज को जनता तक पहुंचाने के लिए सांसद में मायावती जी को ना बोलने दिए जाने के बाद इसका आगाज किया गया है, इस आश्वासन का आवाज किया गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर, आइए जानते हैं लोगों से कि क्या इनकी विचारधारा है, क्यों ये लोग इकट्ठा हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र भारती। राजेंद्र जी, यहाँ पर आप लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्या आपका उद्देश्य है? हमारा इकट्ठा इसलिए हुए है जो कि सरकार हमारी सुनती नहीं है, हमारे ऊपर जो अत्याचार जुर्म होते हैं उसके लिए हम लोग जो धरना प्रदर्शन करते हैं, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिला तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, जैसे कि योगी सरकार आपकी आवाज़ नहीं सुनती है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और क्या कहना चाहते हैं सरकार से, क्या मांग है आप? सरकार मांग है कि हमारे अधिकार चाहिए, हमें जो है कि हमारे पास अच्छा जुर्म होता है उसको नहीं होना चाहिए, और जो हमारा हक हमें मिलना चाहिए। क्या नाम है? बेनामी सिंह। बेनामी सिंह। बेनामी सिंह जी, जैसे कि आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है आप लोगों का यहाँ इकट्ठा? उद्देश्य है जो फिलहाल जो सरकार चल रही है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, ये दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुस्लिम विरोधी है, इनकी नीति है वो बिल्कुल ही उल्टी है इनकी। भाई सहारनपुर का पंगा हुआ, बहन जी सहारनपुर ऊपर बोली तो इन्होंने बहन जी को 3 मिनट दी। केंद्र सरकार है, राज्य सरकार जो चल रही है, ये ज्यादातर मुस्लिम दलित विरोधी है, ज्यादातर अक्सर कर आपने देखा होगा जो पंगा होता है इन्हीं पे होता है। बीजेपी, आरएसएस हो, ये बिजंग दल हो, कोई गौ रक्षा के नाम पे पीट रहे हैं किसानों को, मजदूरों को, या कोई भी बहाना हो इनको पीट रहे हैं बस खाली। और अभी एक सकेता गांव है आगरा के पास में, एक महीना पहले जो सरकारी नल था उससे दलितों को पानी नहीं भरने दिया गया, इससे बुरी बात क्या हो सकती है बताइए? देश के अंदर जो पानी नहीं भरने दिया सरकारी नल से, जैसा कि आप लोगों ने देखा दलितों पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है, दलितों को सरकारी नल से पानी नहीं दिया जा रहा, कुओं से पानी नहीं दिया जा रहा है, इस सब के विरोध में, दलितों पे हो रहे अत्याचार के विरोध में आज जंतर मंतर पर भारी तादाद में बहुजन समाज के लोगों ने बहन कुमारी मायावती जी के आह्वान पर यहां इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन शुरू किया है। कैमरामैन मोहित के साथ गौरव।